चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टम व्हिच इज अगेन द पार्ट ऑफ क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। टॉपिक जो है हमारा उसी का पार्ट है। जो पाइप्स एंड सिस्टम है बेटा, अर्लियर क्लासेस 7th और 8th क्लासेस में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ा था। टाइम एंड वर्क का, उस टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में क्या होता था, लेट अस सपोज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू A piece of work in X hour. हम लोग लिखते थे X hour में एक piece of work करता था। Therefore, A is 1 hour work. हम लोग निकालते थे that was equals to 1/x. Similarly, B can do a piece of work in Y hour. और उसके बाद B is 1 hour work. हम लोग निकालते थे that was equals to 1/y. और उसके बाद हम लोग करते थे कि we have to find out their together work. तो टुगेदर के लिए हम लोग क्या कर लेते थे, 1/x plus 1/y find out कर लेते थे। और उसके बाद जितना आंसर आता था, let us suppose this is x plus y over xy, उसके बाद इसको reciprocate करके हम लोग आंसर लिख लेते थे कि together they can do that piece of work in such hours। सिमिलर केस हमारे पास यहाँ पे पाइप्स और सिस्टर्न के केस में भी आता है। पाइप्स और सिस्टर्न के केस में हमारे पास क्या होता है, दो तरह की हमारे पास पाइप्स होती हैं, एक इनलेट पाइप होती है और एक आउटलेट पाइप होती है। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप का भी हमारे पास सेम वही कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हम लोगों को ये कहा होता है कि इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन वाई आर। तो टुगेदर वो कितनी देर में पाइप को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास दो तरह की पाइप होती है, एक होती है इनलेट पाइप एंड सेकेंड वन इज आउटलेट पाइप। ठीक है जी, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप में क्या होता है कि इट कैन फिल टैंक और रेजरवायर। और आउटलेट हमारे पास क्या होता है, इट कैन एम्प्टी द टैंक और द रेजरवायर। ठीक है जी, इन पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद फिर हम लोगों को ये कहा होता है कि टुगेदर कितनी देर में फिल कर सकते हैं या सेपरेटली, वो हम लोगों को उनका वर्क फाइंड आउट करना होता है। अब इसमें हम लोगों को करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट लर्न करने पड़ेंगे। What are these basic concepts? Please note down sidewise. साथ साथ में आप लोग note down करते रहिएगा बेटा जी। First is, let us suppose basic concept and formulas. Basic concepts and formulae. Now first one is, first हमारे पास जो concept है that is, ये लिखेंगे if an inlet pipe can fill a tank in x hour. अगर कोई इनलेट पाइप जो है किसी टैंक को x hour में फिल करती है, then its 1 hour work, 1 hour work will be equals to 1/x. Means to say कि वो एक घंटे में जो टैंक है उसको 1/x time फिल करेगी। Similarly, second, if an आउटलेट पाइप, अब हम लोग बात करते हैं आउटलेट पाइप की। आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी, अब यहां पे मैं वर्ड फिल यूज नहीं करूंगा क्योंकि जो आउटलेट पाइप होता है वो लीकेज शो करता है। इन एन आउटलेट, इफ एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन वाई आर्स, वो वाई आर्स में एम्प्टी कर सकता है, देन इट्स 1 hour वर्क, 1 hour work will become equals to 1/y. ये हम लोगों ने reciprocation वगैरह करके find out करना होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो main concept आता है उसका, if an inlet pipe can fill a tank in x hour and outlet pipe can empty the tank in y hour, case one, when y is greater than x. मतलब क्या है कि एम्प्टी टैंक को एम्प्टी करने के लिए जो आउटलेट पाइप है वो इनलेट पाइप से ज्यादा टाइम लेती है। लेट अस सपोज कि एक टैंक को एक इनलेट पाइप 2 घंटे में फिल कर सकती है और आउटलेट पाइप उसको 5 hours, 5 घंटे में एम्प्टी कर सकती है, देन वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ टैंक, देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, क्योंकि नेचुरल सी बात है आउटलेट पाइप का टाइम ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें टैंक हमारे पास फिल होएगा, देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड। बेटा ये चीज याद रखिएगा, अगर हमारे पास आउटलेट का टाइम इनलेट के टाइम से ज्यादा है तो हमेशा टैंक फिल होएगा, एंड दैट विल बी गिवन बाय 1/x माइनस 1/y, 1/x माइनस 1/y।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये y माइनस x ओवर एक्स वाई आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन वन आवर, एक घंटे में टैंक कितनी देर में फिल होएगा, कितना पार्ट फिल होएगा, दैट इज y माइनस x ओवर एक्स वाई। देयरफॉर टैंक विल बी फिल्ड इन, टैंक विल बी फिल्ड इन, अब बेटा जी हम लोग इसका क्या है रेसिप्रोकेट कर देंगे एंड इट विल बिकम एक्स वाई ओवर वाई माइनस एक्स। हमारे पास अगर आउटलेट लीकेज का टाइम ज्यादा है, इनलेट फिल करने थे, तो हम लोग क्या करेंगे 1/x - 1/y, और हमारे पास जो टैंक है अल्टीमेटली फिल ही होएगा। उसके बाद सेकंड केस हमारे पास आ जाता है केस टू, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। When x is greater than y मतलब क्या है, टैंक को फिल करने का टाइम ज्यादा लगता है। मींस टू से इनलेट पाइप 5 घंटे में फिल करती है, लेकिन आउटलेट 5 उसको 2 घंटे में खाली कर सकती है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर खाली करने का टाइम कम है तो जो टैंक है इस बार वो फिल नहीं होएगा, वो टैंक एम्प्टी होएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देन पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड, पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड। अब की बार यहां पे मैं वर्ड फिल्ड नहीं लिखूंगा बेटा जी, पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड विल बी इक्वल्स टू 1/y - 1/x। इसको दोबारा सॉल्व करेंगे x - y / xy आ जाएगा। देयरफॉर अब की बार यहां पे लिखूंगा देयरफॉर टैंक कैन बी एम्प्टीड इन, टैंक कैन बी एम्प्टीड इन। बेटा जी दोबारा याद रखिएगा, मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि अगर हमारा एम्प्टी करने का टाइम ज्यादा है तो टैंक फिल होएगा, लेकिन अगर टैंक भरने का टाइम कम है एम्प्टी करने से, तो हमारा जो टैंक है वो हमेशा एम्प्टी होएगा। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू xy/x - y। ये याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, अगर टैंक फिल होना है तो xy/y - x, लेकिन अगर टैंक एम्प्टी होना है तो xy/x - y होगा। ठीक है बेटा। Now, if we are having 3 pipes, if a pipe A can fill a tank in x hours, second pipe B can fill a tank in y hours, and third one, a pipe C can empty करता है tank in z hours, ठीक है जी? Then total time हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल टाइम लिखने की बजाय हम लोग पहले लिखते हैं पार्ट ऑफ टैंक, क्योंकि रेसिप्रोकेशन में करना है। देन पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड कोलेक्टिवली इज इक्वल्स टू 1/x + 1/y - 1/z। याद रखिएगा जो एम्प्टी करने वाला केस है वो हमेशा हम लोगों ने माइनस में करना है। और एलसीएम लेते हैं, एलसीएम एक्स वाई जेड आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू yz + zx - xy। Therefore, tank can be filled in, अब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू xyz / zx - xy hours। अब होता क्या है कि ज्यादातर टाइम हम लोगों को आवर्स में गिवन होता है, लेकिन अगर मिनट में गिवन होता है ना, इवन देन हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या है कि हमारे पास तीनों के तीनों टाइम मिनट में गिवन हो। हमारी जो ऐसा चाहे हम लोगों ने उसको मिनट में कन्वर्ट करके करना है या हम लोगों ने उसको आवर्स में कन्वर्ट करके करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तीनों के तीनों यूनिट सेम होने चाहिए, आइदर इन मिनट्स और इन आवर्स। ये तो हुआ कि अगर हमारे पास एक पाइप इनलेट है और एक पाइप आउटलेट है तब होता है। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है कि अगर दो पाइप हमारे पास है और दोनों के दोनों इनलेट पाइप हैं। फोर्थ कंसेप्ट इज इफ अ पाइप ए, इफ अ पाइप ए कैन फिल अ टैंक, कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर, अब की बार एक्स आर में फिल करता है, और दूसरी पाइप बी कैन फिल द टैंक इन वाई आर, अब की बार क्या है कि दोनों के दोनों इनलेट पाइप हैं। देन टुगेदर वन आर वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x + 1/y। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, xy/y + x ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y + x / xy। देयरफॉर यहां पे लिख रहा हूं together they can fill in
अब जो ये आंसर आया था इसको रेसिप्रोकेट करना है हम लोगों ने, टुगेदर दे कैन फिल इन एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई आर्स, ठीक है जी। अगर दोनों इनलेट पाइप हैं तो हम लोगों को माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, हम लोग दोनों में क्या है प्लस का साइन लगाएंगे। और एक बात और, सबसे पहले हम लोगों ने उनका वन आवर वर्क निकालना होता है, और वन आवर वर्क निकालने के बाद हम लोगों ने उनका रेसिप्रोकेशन करके टोटल टाइम निकालना होता है कि टोटल कितने टाइम में वो फिल करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6 बेस्ड ऑन दिस दीज कंसेप्ट्स एंड फार्मूले ऑफ सिस्टर्न एंड पाइप्स। सबसे पहला फार्मूला, अगर हमारे पास दोनों के दोनों इनलेट पाइप हैं तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, वन ओवर एक्स वन ओवर वाई करके, रेसिप्रोकेट करने की जरूरत नहीं है। सीधा शॉर्टकट फार्मूला याद रखिए और उसके बाद आंसर निकल जाएगा। दूसरा है एक्स वाई ओवर वाई माइनस एक्स। ये होता है कि अगर आपके पास एक आउटलेट पाइप है और एक इनलेट पाइप है, और आउटलेट पाइप का टाइम इनलेट पाइप से ज्यादा है। थर्ड फार्मूला है एक्स वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अगेन वन इज आउटलेट पाइप एंड वन इज इनलेट पाइप, बट यहाँ पे क्या है कि इनलेट पाइप का टाइम आउटलेट पाइप से ज्यादा है, और इस केस में टैंक जो है एम्प्टी होएगा, फिल करना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड वन इज एक्स वाई जेड ओवर वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। मीन्स टू से अगर हमारे पास दो इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास टैंक को फिल करने का फार्मूला एक्स वाई जेड ओवर वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो जाता है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड सभी के यूनिट्स सेम होने चाहिए। कोई कोई क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग 1/x 1/y कंसिडर करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे हम लोगों को वर्क के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। अगर डायरेक्टली टाइम पूछा होगा तो हम डायरेक्टली इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी हम लोगों को कहा गया है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल A tank in 24 minutes and 36 minutes. बेटा देखिए यहाँ पे time minutes में given है दोनों का, इसलिए hours में convert करने की ज़रूरत नहीं है। If both the pipes are open together, then find the time in which the tank can be filled completely. अब हमारी choice है कि हम लोगों ने इसको hours में convert करना है या इसको minutes में ही रहने देना है, और उसके accordingly हम लोगों ने solve करना है। So time taken by pipe A. पहली पाइप जो हमारे पास है पाइप कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 24 मिनट्स। सेकंड टाइम टेकन बाय पाइप बी इज इक्वल्स टू 36 मिनट। फिल करने के लिए हमारे पास टाइम 24 मिनट्स और 36 मिनट्स है, और हमको ये कब पूछा गया, फाइंड द टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड कंप्लीटली इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टुगेदर, मतलब दोनों इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं और उनको टाइम कितना लगेगा। टुगेदर के लिए हमारे पास ये पहले वाला फार्मूला एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। सो एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर एक्स प्लस वाई। पहले टाइम को मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, दूसरे टाइम को मैं वाई कंसिडर कर लेता हूँ। सो इट विल बी 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 36। It will be 24 into 36 divided by 60 आ जाता है। 12 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाएगा 3 and this will come out to be 5. So 24 threes are 72 divided by 5 आ जाता है। That is 14 side by 2 by 5 minute. अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट करना है उसमें मिनट और सेकेंड्स में, और मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 14 मिनट, और 2/5 मिनट्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता हूँ 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 12। सो आवर आंसर विल बी 14 मिनट्स 24 सेकंड्स, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह से मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या यू कैन लीव योर आंसर हेयर ओनली 14 साइड बाय 2/5 मिनट्स, ठीक है बेटा। लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट। अब की बार ये बेटा यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया, टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल इज 20 मिनट्स और टाइम टेकन बाय पाइप बी टू एम्प्टी, यहाँ पे मैं वर्ड यूज करता हूँ बी टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल्स टू 60 मिनट। अब यहाँ पे इसको 60 मिनट लगते हैं उसको एम्प्टी करने के लिए। तो बेटा जी अब हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पे देखिए मैंने चार फार्मूले लिखे हुए हैं और उसमें से एक फार्मूला हमारे पास एम्प्टी करने वाला है और एक फार्मूला फिल करने वाला है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये एम्प्टी होगा कि फिल होगा,
यहां पे देखिए जो y की वैल्यू 60 है वो x से बड़ी है, दिस फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला विल बी यूज्ड, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टुगेदर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर वाई माइनस एक्स। तो यहां पे सॉल्व करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 20, इट विल बी 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा कैंसल आउट होकर 2 और ये इसके साथ कैंसल आउट होकर आवर टोटल आंसर विल बी इक्वल्स टू 30 मिनट। मतलब क्या है कि अगर एक पाइप आपके पास उसको फिल करने के लिए है और एक पाइप उसको एम्प्टी करने के लिए है, इवन देन द टैंक विल बी फिल्ड, बट दिस टाइम द टैंक विल बी फिल्ड इन 30 मिनट। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में है। अगेन लेट अस कंसीडर नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट्स एंड ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट टुक 60 मिनट्स टू फिल। अब की बार बेटा क्या है कि यहां पे हम लोगों को सेकंड थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पे ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन लिखा है टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल, बाय पाइप कैपिटल ए टू फिल इज इक्वल्स टू हमारे पास था 40 मिनट्स और उसके बाद हमको ये कहा गया है ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट टुक 60 मिनट्स टू फिल द टैंक। मतलब क्या है कि अब की बार हम लोगों को ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो टाइम टेकन है ये हम लोगों को गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सेकंड। लेट अस कंसीडर लेट टाइम टेकन बाय पाइप बी टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल्स टू वाई मिनट्स। मैं वाई मिनट कंसिडर कर लेता हूं एम्प्टी करने के लिए। टुगेदर टाइम, टुगेदर टाइम दोनों को फिल करने का टाइम हम लोगों को कितना गिवन है 60 मिनट्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमारे पास बेटा टैंक फिल हो रहा है। अगर टैंक फिल हो रहा है तो फिल वाला फॉर्मूला हमारे पास ये सेकंड वन है, सो वी विल अप्लाई दिस सेकंड फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 40 को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, 40 इंटू वाई ओवर वाई माइनस 40। चेक कीजिए बेटा x की वैल्यू 40 कंसिडर की थी और y वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू इट एम्प्लाइज 60y माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 40y और y वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे, इट एम्प्लाइज 20y इज इक्वल्स टू 2400 और y इज इक्वल्स टू 120 मिनट। y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 120 मिनट हो जाएगी। मतलब क्या है कि लीकेज का टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 120 मिनट। नाउ इट्स आवर चॉइस कि इसको आंसर को 120 मिनट की फॉर्म में छोड़ना है या हम लोग इसको y इज इक्वल्स टू 2 आवर्स भी लिख सकते हैं। चाहे हमारा कोई भी आंसर हो, वी कैन राइट डाउन एनी आंसर, आइदर वी कैन लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ मिनट और वी कैन लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ आवर्स ओनली। ठीक है, in the fifth question it is given that two pipes a and b running together can fill a tank in 6 minutes। theek hai ji, two pipes together can fill a tank in 6 minutes is equals to 6 minutes 6 minute mein fill kar leti hai dono pipe agar ikatthi chalti hain। theek hai ji, aur uske baad humko ye kaha gaya hai इफ पाइप ए टेक्स 5 मिनट लेस देन बी टू फिल द टैंक। अगर पाइप ए जो है बी से 5 मिनट लेस टाइम लेती है, ठीक है जी। अब यहां पे क्योंकि बी के साथ कंपेयर किया गया है तो मैं पहले बी का टाइम लिखूंगा। लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू वाई मिनट, क्योंकि बी वाले को जनरली हम लोग वाई कंसिडर करते हैं तो बी वाले को मैंने वाई मिनट कंसिडर कर लिया। एंड लेट टाइम टेकन बाय कैपिटल ए टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5 मिनट। पुत्र जी ए जो है वो वाई से 5 मिनट कम लेता है फिल करने के लिए, तो ए का टाइम जो एक्स है उसको हम लोग वाई माइनस 5 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्योंकि दोनों पाइप फिल कर रही हैं, सो हम लोग ये पहला फार्मूला यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 मिनट इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई, इट एम्प्लाइज 6 इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई माइनस 5।
क्योंकि जो ये y माइनस फाइव था दिस वाज इक्वल्स टू x, x टाइम होता है a पाइप का ओवर y माइनस फाइव प्लस y, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y ओवर 2y माइनस 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 12y माइनस 30 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है, और सॉल्व करते हैं सारी टर्म एक साइड पे ले जाते हैं, इट एम्प्लाइज y स्क्वायर माइनस 17y नहीं प्लस 17 माइनस ही आएगा बेटा, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. और उसके बाद 10th क्लास या 9th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 15 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. और जब हम लोग सॉल्व करते हैं इट एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 15 कॉमा वाई इज इक्वल टू 2, और इसको बेटा जी हम लोगों ने रिजेक्ट करना है. Why we have to reject this? क्योंकि in this case यहां हमें लिख सकते हैं because in this case y minus 5 will be meaningless. जो y minus 5 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, meaningless हो जाएगा, क्योंकि एक जो टाइम y है y की वैल्यू वो b का टाइम है और a का टाइम y minus 5 निकालना पड़ेगा. अगर मैं 2 वैल्यू ले लेता हूं तो 2 minus 5 क्या minus 3 टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता. So we have to reject y is equals to 2. Therefore y is equals to 15 minutes. Therefore pipe B can fill the tank in, can fill the tank in 15 minutes. 15 मिनट में वो फिल करेगा, और यही चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी कि पाइप बी कितने टाइम में फिल करेगा, ठीक है बेटा. सो लेट अस स्टार्ट 6th क्वेश्चन. इन 6th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी. पाइप ए जो है वो पाइप बी से 3 टाइम ज्यादा तेजी से फिल कर सकता है. इफ बोथ पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स रनिंग टुगेदर फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप ए टू टेक to fill the tank. Let time taken by pipe A to fill tank. Fill the tank is equals to x minutes. Minutes ही ले लेते क्योंकि 36 minutes दिया हुआ है total time. Time taken by pipe B to fill the tank is equals to y minute. आप पुत्र जी एक बात ध्यान दीजिए, यहां पे ये कहा गया है पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी. अब बेटा जी एक बात याद रखिएगा, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 3y, ये गलत है बेटा, x इज इक्वल्स टू 3y नहीं लेना है. क्यों? क्योंकि x जो है वो y से 3 गुना ज्यादा तेजी से फिल करता है, तो एक्चुअल में ये रेसिप्रोकेशन है. अगर y 1 घंटा लेता है तो अगर हम लोग यहां 1 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू तो 3 घंटे आ जाएगी, तो इसका मतलब x तो ज्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन यहां पे हम लोगों को क्या कहा गया, x उससे 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से फिल करता है. तो अल्टीमेटली हम लोगों को इस तरह से लेना पड़ेगा कि अगर y 3 घंटे लेता है तो x 1 घंटा लेगा, यानी कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू y ओवर 3. x इज इक्वल्स टू y ओवर 3 इज द एग्जैक्ट आंसर है. x is equals to 3y नहीं फिल करना बेटा जी, अगर x is equals to 3y हो जाएगा तो उसका टाइम ज्यादा हो जाएगा x का, जबकि x उससे 3 गुना तेजी से फिल करता है, तो इसका मीनिंग होता है कि उसके उससे 3 गुना ज्यादा कम टाइम ले रहा है, वो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा. सो x is equals to y over 3 और वी कैन से दैट y is equals to 3x. ये तो हुआ हमारे पास जो रिलेशन गिवन है. आल्सो टोटल टाइम टू फिल द टैंक, आल्सो टोटल टाइम to fill the tank क्या हो जाएगा हमारे पास, ये गिवन है, आई थिंक 36 मिनट गिवन है. लेट अस चेक, एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ जी 36 मिनट गिवन है. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, फर्स्ट वन दोनों पाइप्स फिल कर रही हैं, तो हम लोग ये करेंगे 36 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई ओवर एक्स प्लस वाई, दैट इज 36 इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू 3x पुट कर देंगे, x into 3x over x plus 3x. That is 36 is equals to 3x square
over 4x, x और x कैंसिल आउट कर देते हैं, यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 36 into 4 divided by 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, so it will come out to be 48 मिनट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x है वो 48 मिनट में पाइप को फिल कर देता है। अकॉर्डिंगली y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 48 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 144 मिनट विल बी अवर आंसर। यहां पे बेटा ये कांसेप्ट जरूर ध्यान रखना है कि पाइप अगर ए बी से 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है तो एक्चुअल में उसका मतलब है कि जो पाइप ए का टाइम है वो पाइप के बी के टाइम से 3 गुना कम है, ठीक है। सो वी नीड टू राइट डाउन एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन 3। इन द 9th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 1/2 आवर्स एंड 1 आवर रेस्पेक्टिवली, while pipe C can empty the tank in 2 hours, time to fill the tank by A is equals to 1/2 hour, time to fill the tank by B is equals to 1 hour, and time to empty the tank by C is equals to 2 hours, ठीक है जी। If all the three pipes are opened simultaneously, how long does it take to fill the empty tank? चौथा फार्मूला according to question, ये हमारे पास x हो जाएगा, this is y and this is z. So total time to fill the tank is equals to xyz divided by yz plus zx minus xy. And this is equals to 1/2 multiplied by 1 multiplied by 2 divided by yz, yani ki 1 into 2, zx 2 into 1/2 minus xy, that is 1/2 into 1. Ye upar cancel out ho jayega 1, niche aa gaya 2 plus 1, ye bhi cancel out ho jayega minus 1/2, that is 1 over 3 minus 1/2, solve karte hain 1 over 5/2 aa jayega, aur ultimately solve karke hamare paas aa jata hai 2/5 r. और 2/5 hours हमारे पास आंसर आ गया है। या अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 60, कैंसिल आउट होके ये 12 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 मिनट। बेटा जी हम लोगों को कहीं नहीं कहा है कि टाइम मिनट में निकालना है या आवर्स में निकालना है, तो अगर 2/5 hours छोड़ना चाहते हो तो भी छोड़ सकते हो, अगर 24 मिनट्स निकालना चाहते हो तो 24 मिनट्स भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। सिमिलरली जो 10th क्वेश्चन है इसके जैसा है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। 6th एंड 7th क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।